गरम चश्मा, साइकिलिंग, और ये बहुत बड़ा ग्लेशियर जो आपको नज़र आ रहा है गरम चश्मा के करीब है। इसका नाम याद नहीं मुझे क्योंकि यहाँ पर कोई आबादी नहीं है और ना ही इसका कोई मैप में कोई जिक्र है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा प्यारा, ऊपर ग्लेशियर के पहाड़ हैं। इक्का दुक्का बंदे गुजरते हैं यहाँ से, ये ऊपर से आ रहा है, नीचे पानी खड़ा है, ग्लेशियर ब्लैक है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, बाकी सारी ये बर्फ भी ऐसे एक से एक तरह से बर्फ ही पड़ी है। सर ये तुराई आ गई, मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा। हम इस वक्त लश्करगाह की तरफ रवा दवा, सामने ग्लेशियर बहुत बड़ा जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है और पानी इससे धड़ाधड़ नीचे जा रहा है। हर तरफ ग्लेशियर और गरम चश्मा के ये थोड़ा सा आगे जाके ये सारा ग्राउंड जो गरम चश्मा का नज़र आ रहा है सामने, ये गरम चश्मा का है और ऊपर ग्लेशियर्स भी। विडन गोट ब्रोगल के गांव है, वहाँ से गुजर रहे हैं। दरिया का कुछ हिस्सा यहाँ से भी आ रहा है और कुछ सामने वाले ग्लेशियर से मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से क्रॉस करते हैं, ये गुज़र गया, मेरी बारी है, मैं भी चाहूँ। बहुत ज़्यादा ऊंचाई खींच खींच के बस ग्लेशियर्स, ऊपर भी ग्लेशियर, अभी बहुत ऊपर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त चिकार जो के गांव है, इस तरफ को रोड जाता है, उसके मिड पॉइंट पर खड़े हैं, चिकार ब्रोगल, और आगे चौकी है, हमने इस तरफ जाना है सामने। और ग्लेशियर नीचे हो गए, अब हम ऊपर हो गए हैं। हम चिकार दूसरी तरफ, यानी कि हम लश्करगाह के रास्ते पर निकल चुके हैं। अभी जो हमने एक पहाड़ी चढ़ी थी उसके उतर रहे हैं। हम इस वक्त लश्करगाह की तरफ सफ़र, और ये मेरे ख्याल में ब्रोगल वैली है मेन, या इससे आगे ब्रोगल पोस्ट, यानी कि ये ब्रोगल वैली है मेरे ख्याल में। बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज शादाब, बहुत ही खूबसूरत ब्रोगल वैली, इंतहाई सरसब्ज शादाब। ये ट्रैक उतरता हुआ ब्रोगल वैली की तरफ, सामने पुल, पानी का शोर, बहुत ज़्यादा हो गई।